प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हरदोई में भी प्रथम चरण में 4 तालाबों की भूमि पर किए गए कब्जों को अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसी क्रम में हरदोई के लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन के सामने के तालाब पर नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों द्वारा अवैध कब्जा कर पक्के भवनों का निर्माण कर दिया गया था, जिसे आज गिरवा दिया गया। इन सभी कर्मचारियों को पहले ही काशीराम कॉलोनी में आवास आवंटित कर दिए गए थे। नगर पालिका परिषद हरदोई के अधिशांसी अधिकारी रविशंकर शुक्ला ने बताया कि तालाब की भूमि पर निर्माण कराकर निवास करने वाले सभी नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारी थे। सभी 11 परिवारों को काशीराम कॉलोनी में आवास आवंटित करा दिए गए हैं। साथ ही शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे सरकारी भूमि व तालाब आदि पर अवैध कब्जा न करें। हमारी मंजूर की जो है तालाब की भूमि थी सरकारी भूमि, तो उस पे जो है लगभग 11 लोगों ने जो है अतिक्रमण कर रखा था, तो लोगों ने आज जो है अतिक्रमण हटवा दिया है। और आदरणीय जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, क्योंकि एक गरीब लोग थे, सफाई कर्मचारी हमारे थे, तो इन लोगों को हम लोगों ने काशीराम में आवास भी आवंटित कराकर इनको इसकी चाबी आज से एक हफ्ता पहले दे दी थी। और ये लोग वहाँ रह भी रहे हैं कुछ लोग जाकर, और बाकी अपना सामान लेके आज जा रहे हैं। भारत 9 के लिए हरदोई से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट।